हाय गाइस कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे हैं अनसेफ हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट फ्रॉम माई ग्लॉम तो रिसेंटली मैंने देखा था इसको ऑन माई ग्लम एंड दिस इज अ न्यू लॉन्च। दिस इज माई ग्लॉम लिट लिप एंड चिक रूज सो so, कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है सो so, अगर आपको जानना है ये प्रोडक्ट कैसा है आपको इसको ट्राई करना चाहिए या नहीं इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो लेट्स के पैकेजिंग so, ये इस तरीके का आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है विच इज़ क्वाइट क्यूट ग्लैम के प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगता है सो so, मेरे पास जो सेट है दैट इज पीच प्ले इसमें जो इंड्रडेंट्स यूज हैं पर्टिकुलरली काफ़ी अच्छे हैं इसमें कोई भी पैराबिन नास्टिक्स नहीं है इसमें बहुत ही अच्छा क्वांटिटी भी मिल जाता है टेन ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है विच इज़ रियली ग्रेट सो so, इसमें हमको टू ईयर्स ऑफ सेल्फ लाइट मिल जाता है इसका प्राइस है 495. हंड्रेड नाइन्टी फाइव तो इसका जो प्राइस है इट इज़ नॉट ऑन अ वेरी कॉस्टली साइड या बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है इन बिटवीन है पर्टिकुलरली लिप एंड चिप टेंट्स बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं अदर ब्रांड्स का तो मैंने ट्राई आउट किया है सभी so, वो रुपीज़ फाइव ही होते हैं ज्यादातर 500, 600, 700, 800 इस रेंज में आते हैं एक्चुअली सो so इसका जो प्राइस अच्छा है एंड माइंगल के ऐप के ऊपर आपको हमेशा बाई वन गेट वन फिफ्टी परसेंट ऑफ तो मिल ही जाएगा गैस एंड अभी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं जैसे वहां पे चल रहा है अभी गुड लाइफ फेस्टिवल आपको बहुत ही अच्छा ऑफर में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा पर्टिकुलरली एंड आई थिंक ये फाइव टू सिक्स सेट्स में लॉन्च हुआ है सारे ही सेट्स काफी ब्यूटीफुल है गैस तो इस तरीके का पैकेजिंग में आता है इज़ सो सो ब्यूटीफुल पैकेजिंग पैकेजिंग का क्वालिटी

डिसेंट uh, है इट्स नॉट ऑन अ वेरी हायर साइड आप इसको जरूर बिल्ड कर सकते हैं अगर आपका पिगमेंटेड लिप्स हैं आपको इसको मिनिमम थ्री टाइम्स तो लगाना ही पड़ेगा लिप्स के ऊपर एंड आपको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा उसके बाद ही आपको अच्छा कलर मिलेगा लिप्स के ऊपर मैंने भी इसको टू टू थ्री टाइम्स ही अप्लाई किया लिप्स के ऊपर एंड पिगमेंटेशन इस तरीके का आया है सो so, पिगमेंटेशन अच्छा है एंड चीक्स के ऊपर आपको थोड़ा हल्के हाथों लगाना है गाइज अगर आप ज़्यादा लगा लोगे देन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही आज अप्लाई कर लिया था मेरे फेस के ऊपर पर आफ्टर ब्लेंडिंग यू कैन सी माय माय लुक काइज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और ये जो सेट पीच प्ले ये एक्चुअली सभी स्किन टोन्स के पर अच्छे से जाएगा आई जस्ट लव दिस सेट सो मच एंड बहुत ही अच्छा है फॉर डेली यूज मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा मैट नहीं है के बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है इन बिटविन है सॉफ्ट मैट काइंड ऑफ इसका फॉर्मूला है जब हम इसको टच करते हैं पैन के ऊपर ये क्रीमी फील होता है बहुत ही अच्छे से पिक होता है मैं आपको रिकमेंड करूंगी अगर आप इसको फिंगर के मदद से अप्लाई भी करते हैं या ब्लेंड करते हैं उसके बाद आप एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से डैप कर लीजिए सो ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से बहुत ही अच्छे से यूनिफॉर्मली ब्लेंड होता है एंड बहुत ही नेचुरल लुक देता है चिक्स के ऊपर जो कि मुझे काफी अच्छा लगा एंड लिप्स के ऊपर भी ये टोटली ग्लॉसीनेस नहीं देता है ये ये एक मैट लुक देता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है ज सो कम्फर्टेबल ऑन लिप्स सो आई थिंक एट आवर्स तो मिनिमम लास्ट ही करेगा ऑन चिक्स उसके बाद थोड़ा फेड आउट हो सकता है एंड आपको रीअप्लाई करना पड़ सकता है दिस इज क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग लिप्स के ऊपर ट्रांसफर होते हैं so, ट्रांसफर होने के बाद भी इसका काफी अच्छा टेंट रहता है लिप्स के ऊपर uh, और अगर आप कुछ एक्सट्रीमली ऑयली खाते हो देन डेफिनेटली लिप्स के ऊपर रिमूव हो जाता है एंड आपको रिअप्लाई करना पड़ सकता है लिप्स के ऊपर अगर मैं इसके लास्टिंग पावर की बात करूंगा इज ये टू टू थ्री आवर्स लास्ट करेगा क्योंकि लिप्स सिस्टम गोइ टू यूजिस ऑन माई लिप्स गैस फिंगर के मदद से इतना प्रिसाइसली तो नहीं लगता है बट स्टिल देन आप देख सकते हैं मैंने इसको अप्लाई कर लिया है यूजिंग माई फिंगर ओनली सो अगर आपके पास कोई एप्लीकेटर नहीं है कोई ब्रश नहीं है लिप ब्रश नहीं है देन डेफिनेटली आप इसको आपके फिंगर के मदद से ही अप्लाई कर सकते हैं दिस इज एक्चुअली पीछी न्यूड सेड एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है कैन सी गैस कितना ईजिली ब्लेंड हो गया एंड बिल्कुल भी मेरा फाउंडेशन मूव नहीं हुआ सो so, कभी कभी क्या होता है गैस जो क्रीमी प्रोडक्ट्स होते हैं पर्टिकुलरली लिप एंड चिक टें वो फाउंडेशन को मूव करते हैं कंसीलर को मूव करते हैं हमारे जो बेस मेकअप को डिस्टर्ब करते हैं दिस इज अ प्रोडक्ट दैट ब्लेंड्स रियली सो वेल ऑन फाउंडेशन सो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही थी इसका जो कलर है बहुत ही लाइट होगा ऑन चिक्स बट दिस इज एक्चुअली वेरी हाईली पिगमेंटेड सो यू कैन सी मेरे स्किन टोन के ऊपर भी कितना ज़्यादा डीप लग रहा है सो so, गैस बहुत ज़्यादा लग गया है एक्चुअली ऑन दिस साइड सो आईम गोइंग टू ब्लेंड दट यूजिंग माई ब्यूटी ब्लेंडर दिस इज वेट राइट नाउ सो इसको मैं थोड़ा इसे ब्लेंड कर लूंगी सो यू कैन सी द ब्लस ऑन माई फेस राइट नाउ बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है एप टू ब्लेडिंग इट वेरी वेल सो so मैं यूज करने वाली हूं अभी एनवाइबे का साइन एंड सिम हाईलाइटर यूज दिस हाईलाइटर सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी मल्टीपर्पोज प्रोडक्ट आप इसको आइज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं एज आईसाडो आप इसको लिप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं अन चिक्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं द माइंग लिंक विल बी देर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स का इज अगर आप चाहें तो आप इसको जरूर ले सकते हैं सो इफ दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिए अन शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ आप मुझे जरूर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टा हैंडल है ग्म अंडर स्कोर यूर अंडर स्कोर लुक सो अगेन आई विल बैक Bye-bye. Take care.